सो हे गाइस, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ टॉप 5 सेफेस्ट कार, जो कि 10 लाख रुपए के अंदर हमें मिल जाती हैं या फिर 10 लाख रुपए के अंदर हम उन्हें ख़रीद लेते हैं, और वो सर्टिफाइड होते हैं ग्लोबल एनकैप से। ठीक है, ग्लोबल एनकैप एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमारी कार्स को क्रैश टेस्ट, मतलब क्रैश करके टेस्ट करता है कि उसमें कितनी सेफ्टी है, हमें प्रोवाइड करी जाती है, और वो जो कंपनी प्रोवाइड हमें बता रही है, इन्फॉर्मेशन हमें दे रही है, वो सही है या फिर गलत। ठीक है, तो स्टार्ट करते हुए सबसे पहले हमारे पास है महिंद्रा XUV 300, जिसका टेस्ट हुआ था 2 एयरबैग्स के साथ। ठीक है, अब इसमें 2 एयरबैग्स में हमें जो इसने गाड़ी ने ऑक्यूपाई करे, देखो वो उसने 4 स्टार ऑक्यूपाई करे एडल्ट ऑक्यूपेंट में, ठीक है, और इसमें 4 स्टार ऑक्यूपाई करे चाइल्ड ऑक्यूपेंट में, जो कि टेस्ट हुआ था 64 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे। अब मैं एक चीज़ आपको बता दूं, जितने भी क्रैश टेस्ट होते हैं वो 60 से लेके 70 के आसपास में स्पीड पे, 60 से 70 की स्पीड पे क्रैश टेस्ट होते हैं, जिसमें एक बॉडी शेल इंटीग्रिटी का भी बहुत बड़ा रोल होता है, जो कि वो स्टेबल होती है और अनस्टेबल होती है। अगर अनस्टेबल है तो आपकी बॉडी, मतलब बॉडी में वाइब्रेशंस वगैरह आते हैं, और हाई स्पीड पे आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं, मतलब हाई स्पीड पे आप अपनी गाड़ी पे भरोसा नहीं कर पाओगे कि वो, मतलब उस पे जिस उस पे आप चल रहे हो रोड पे, कि वो सही चलेगी या नहीं चलेगी। ठीक है, अब दूसरी बात कर लेते हैं कि देखो ये जो वेरिएंट था इसमें 2 एयरबैग्स थे, और अगर आप इसका W8 ऑप्शनल वेरिएंट लोगे, ठीक है, तो उसमें आपको 6 एयरबैग्स मिल जाते हैं, तो वो भी बहुत अच्छी बात है। जब 2 एयरबैग्स में इसने 5 स्टार ऑक्यूपाई कर लिए, तो 6 एयरबैग्स में और भी सेफ्टी होती होगी और भी आप ज़्यादा सेफ हो रहोगे। ठीक, और दूसरी तरफ बात करते हैं, हमारे पास दूसरी गाड़ी है, वो है नेक्सोन। अब नेक्सोन आपको पता है वो बहुत ही बेहतरीन बिल्ड क्वालिटी के साथ आती है, जो कि टाटा की कार है, और ये चीज़ आप तो अब आपने देख ही ली होगी कि टाटा की जितनी भी गाड़ियाँ हैं सबकी सेफ्टी बहुत ही ज़्यादा सही है, यानी कि बॉडी जो है, बिल्ड क्वालिटी बॉडी की, वो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। टाटा की कोई भी गाड़ी आप उठा के देख लेना, उसकी बिल्ड क्वालिटी हमेशा बेहतर ही रहेगी। ठीक है, और यहाँ पे भी देखो ऐसे ही कुछ नेक्सोन ने परफॉर्मेंस दी है, 5 स्टार ऑक्यूपाई करें एडल्ट ऑक्यूपेंट पे, और 3 स्टार अडॉप्ट करें इसने चाइल्ड ऑक्यूपेंट पे, जो कि इसका भी क्रैश टेस्ट हुआ था 64 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे, जैसा कि मैंने आपको बताया था, और बॉडी शेल इंटीग्रिटी इसकी भी स्टेबल पाई गई थी। ठीक है, और इसका कोई भी वेरियंट ले लो, आई थिंक इसके सारे वेरियंट्स में 2 एयरबैग ऑफर होते हैं, मेरे को इतनी नॉलेज नहीं है इसकी, लेकिन शायद से। अब तीसरी गाड़ी है हमारे पास टाटा एल्ट्रोज। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि टाटा की गाड़ियाँ हर प्लेटफॉर्म में अब बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होती जा रही हैं। ठीक है, और बिल्ड क्वालिटी तो इनकी हमेशा से ही बढ़िया रहती है, तो इसने भी 5 स्टार ऑक्यूपाई करें एडल्ट ऑक्यूपेंट में, और 3 स्टार ऑक्यूपाई करें चाइल्ड ऑक्यूपेंट में, क्योंकि इसका भी टेस्ट हुआ था वो 64 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर हुआ था, और इसकी भी बॉडी शेल इंटीग्रिटी स्टेबल थी। ठीक है, अब इसमें डिटेल्स वगैरह भी दे रखे हैं, तो जैसे कि आप देखोगे टाटा एल्ट्रोज, ये मॉडल नाम है RSD, बॉडी टाइप 5 डोर हैचबैक, क्रैश टेस्ट वेट KG 1401, और पब्लिकेशन यानी कि कब टेस्ट हुआ था ये रहा 2020 का। ठीक है भाई, अगर आप कोई भी आपको हैचबैक लेनी है, तो आप i20 या सेफ्ट से प्रेफर ना करके आप टाटा एल्ट्रोज प्रेफर करो, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि भाई देखो ना तो i20 में इस बिल्ड क्वालिटी है। ठीक है, और अब जो इस साल जो वेरियंट आया 2021 में, या फिर आप ये कह लो जो 2020 में वेरियंट आया था, i20 का भी नया फेस लिफ्ट जो आया है, उसके अंदर भी बिल्ड क्वालिटी मेरे को इतनी ज़्यादा कुछ खास लगती नहीं है, क्योंकि लास्ट ईयर भी जो हमारे पास i20 थी, इस फेस लिफ्ट से पहले 3 स्टार ऑक्यूपाई करे थे सेफ्टी रेटिंग में। ठीक है, हालांकि उसमें 2 एयरबैग आपको बेस वेरियंट से ही मिलते थे शायद से, लेकिन उसने फिर भी 3 स्टार ऑक्यूपाई करे थे, और स्विफ्ट में तो भाई आप एयरबैग तो उसमें आपको मिलते हैं, लेकिन बिल्ड क्वालिटी इतनी कुछ ज़्यादा खास है नहीं, ये चीज़ आप सभी जानते हैं, या फिर आपने ये सारे टेस्ट वगैरह देखे होंगे, या फिर जिनकी हल्की सी भी गाड़ी या थोड़ी बहुत गाड़ी लग जाती है उन्हें ये सारी चीज़ें पता होंगी कि स्विफ्ट की कितनी अच्छी बिल्ड क्वालिटी है, उसमें ज़्यादा मैं जस्टिफाई करूँगा नहीं। ठीक है, बाकी अगर आप चाहोगे तो मैं उसके किसी एक एक्सीडेंट को उठा के, या फिर 2-3 एक्सीडेंट उठा के मैं आपको डेमो दे सकता हूँ कि उसकी बिल्ड क्वालिटी कितनी अच्छी है। और अगली गाड़ी है हमारे पास टाटा टियागो और टियागोर। ठीक है, इसका भी जो टेस्ट हुआ था वो हुआ था 2020 में, और इसने जो ऑक्यूपाई करे थे वो 4 स्टार ऑक्यूपाई करे थे एडल्ट्स में, और 3 स्टार ऑक्यूपाई करे थे चाइल्ड सेफ्टी में। ठीक है, तो मे भी ये भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है, और इसका भी देखो जो टेस्ट हुआ था वो होता है 64 किलोमीटर पर आवर पर, और इसकी बॉडी शेल इंटीग्रिटी पर अनस्टेबल पाई गई थी। ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब अनस्टेबल का मतलब ये थी कि बॉडी कम्फर्ट, मतलब वो नहीं है, स्टेबल नहीं है, यानी कि हाईवे पर स्टेबल नहीं रहती,
और दूसरी बात मारुति सुजुकी विटारा ब्रेजा, ठीक है भाई। सबसे अच्छी बात तो ये कि इसने 4 स्टार ऑक्यूपाई करे, ठीक है, और बॉडी सेल इंटीग्रिटी स्टेबल थी। अब वो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है कि रेयर ही कोई मारुति की गाड़ी ऐसी है जिसने कि 4 स्टार ऑक्यूपाई करे हों, या फिर कोई 1 स्टार से या 2 स्टार से ऊपर गया हो, ठीक है। अब वो चीज़ क्यों मारुति के साथ ऐसी है या क्यों नहीं है ये मेरे को नहीं पता। और अगर आप चाहोगे तो मैं मारुति की जितनी भी गाड़ियाँ अब आ रही हैं उनके ऊपर भी, उनके टेस्ट के ऊपर, जो भी उनके क्रैश टेस्ट होंगे उनके ऊपर मैं आपको वीडियो बना के दिखा दूँगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसकी, इसका 4 स्टार ऑक्यूपाई कैसे करे। वो 4 स्टार ऑक्यूपाई ऐसे करे क्योंकि जितनी भी मारुति की गाड़ी हैं, ठीक है, वो सारी की सारी एक प्लेटफॉर्म पे बेस होती है। बात करते हैं कि मारुति सुजुकी विटारा ब्रेजा 2 एयरबैग्स के साथ इसने 4 स्टार ऑक्यूपाई कैसे करे। जैसा कि मेरे को पता है, जो इतनी नॉलेज मेरे को है, एक इनका एक प्लेटफॉर्म होता है, तो सारी गाड़ी इनकी जो है हार्ट टेक प्लेटफॉर्म पे बेस है, लेकिन ये शायद से एक गाड़ी ऐसी थी जो हार्ट टेक प्लेटफॉर्म पे बेस नहीं थी, ठीक है। इसकी और आपको एक्स्ट्रा डिटेल चाहिए तो मैं आपको वो भी बना के बता दूंगा, ठीक है। लेकिन अब जो BS6 फेस लिफ्ट आएगा, मतलब जो अब जो 2021 फेस लिफ्ट आएगा जिसमें ये डीजल इंजन हमें ऑफर करेंगे, ठीक है, उसमें ये कह रहे हैं कि ये भी हार्ट टेक प्लेटफॉर्म पे ही आएगी। तो भाई अगर ये हार्ट टेक प्लेटफॉर्म पे आ गई तो जो इसमें ये स्टार हैं शायद से वो भी ख़त्म हो जाए, ठीक है। अब और बाकी मैं आपको और एक चीज़ और बताऊँ सुजुकी के बारे में, कि जितने भी BS6 कंप्लाइन इंजन आए हैं उनमें सब में इन्होंने डीजल इंजन बंद कर दी हैं, सारी पेट्रोल में ही आ रही हैं, पेट्रोल और CNG केवल ये 2 ही ऑप्शन हमें इंजन में मिल रहे हैं। अब ये है सेफ कार्स फॉर इंडिया के लिए एक कंप्लेन जिसमें आपको सारी गाड़ियों की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जैसा कि मैंने आपको बताया था, देखो सुजुकी वैगनार और सुजुकी स्विफ्ट में केवल 2 स्टार ही ऑक्यूपाई करे हैं, चाइल्ड सेफ्टी में भी और एडल्ट सेफ्टी में भी। यहाँ की मारुति सुजुकी स्विफ्ट में 2 एयरबैग थे और वैगनार में 1 एयरबैग था, ठीक है। तो भाई अब बिल्ड क्वालिटी तो फिर आप देख ही लो सबकी, और जहाँ तक की है देखो हंडई ईयोन, मारुति एल्टो, ईको, इन सब में कोई भी बिल्ड क्वालिटी का, अब बिल्ड क्वालिटी नहीं है तभी तो सेफ्टी नहीं है। तो भाई सेफ कार फॉर इंडिया को सपोर्ट करो, ठीक है, और सेफ गाड़ियाँ लो, ये सबसे बहुत ही अच्छी बात है जो कि आपको भी हेल्प करेगी। और आपकी बिल्ड क्वालिटी गाड़ी की अच्छी होगी तो छोटे मोटे स्क्रैच या डेंट वगैरह आपकी गाड़ी को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप मारुति सुजुकी स्विफ्ट वगैरह की बात करोगे तो अगर आपकी छोटी सी भी स्क्रैच है ना, वो आपको एक डेंट तो दे के ही जाएगी। तो बाकी इस वीडियो में अभी तक के लिए इतने रखते हैं, और सपोर्ट सेफर कार्स फॉर इंडिया। थैंक यू।